स्वागत है आप सबका। मैं अनुपम आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पर। तो चलिए मैं हम लोग देख प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं सीटेट का हिंदी फर्स्ट पेपर। ठीक है, चलिए इसमें पैसेज दे दिया गया है। पैसेज को पढ़ने में वैसे टाइम बहुत लगेगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। पैसेज पढ़ने से और उसको अंडरलाइन करने से साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसी को देखने के लिए आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक ओर कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से चली। जी हाँ, बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय हैं। वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फॉरसी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना। जी हाँ, इन्होंने कैब सेवा स्टार्ट की थी, उसी के बारे में बता रहे हैं। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुँह बाएँ बैठे अपराधी तत्व या परपीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता है। या ये लाइन आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं ये यहाँ पे, और ये कामकाजी महिलाओं का। ठीक है, खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए आसान नहीं था, सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आँख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ ना कुछ करना था, सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन देना। ठीक है, चलिए इसमें से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है आपका सही आंसर। आप एक बार पैसेज को अंडरलाइन करते चलेंगे तो आपको जल्दी इजी हो जाएगा। आपका इसका सही आंसर जो है, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जी हाँ, कोई भी काम करने से ही आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। आपका इसका सही आंसर जो है, सफलता पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। आपका इसका सही आंसर जो है, सी है, दूसरों की पीड़ा। गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बन गया। आपका इसका सही आंसर जो है, सी होगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, दिया हुआ है पैसेज में, इसीलिए अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, रेवती की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है। आपका इसका सही आंसर जो है, ये होगा, कामकाजी महिलाओं के लिए। कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है। आपका सही आंसर है, पर पीड़क और अपराधी लोगों से। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था, क्या कारण पूछ रहे हैं। आपका इसका जो सही आंसर है, महिलाओं की कठिनाई का। आगे देखते हैं, रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। आपका सही आंसर जो है, डी होगा, महिलाओं के लिए कैब का संचालन। किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है। आपका इसका सही आंसर जो होगा, डी है, सड़क परिवहन की। आगे देखते हैं, इसमें अभी हम लोगों ने गद्यांश देखा, अब इसके आगे एक पद्यांश भी दिया हुआ है। तो ये पद्यांश में 100 नंबर क्वेश्चन से 105 तक दिया गया है। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसको पढ़ने के बाद। इसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़िए तो इसका आंसर भी आपको इसी पैसेज के अंदर ही मिल जाता है।
गरजते घन घन गगन घन घन नाचता है मोर समन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी भीगा बदन बेसुध हेमन, आज वर्षा अजब आई बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई आज वर्षा अजब आई। चलिए इसका पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन की मन के आगे आप उसने डैश दे दिया है, आपको इसमें में बताना है कि क्या होता है मन, कैसा हो जाता है बेसुध का मन। बेसुध है मन का अर्थ बताना है मस्त हो जाता है। सही आंसर आपका होगा मस्त हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे आप गाने सुन रहे हैं बिल्कुल बेसुध होकर के, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है ना। तो आगे देखते हैं, खेत अगला 101 क्वेश्चन। खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि क्योंकि इसका आपका सही आंसर जो है डी होगा, डी, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। गरजते घन 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 में अलंकार है, अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है जी। अनुप्रास अलंकार, जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे गरजते घन 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 ना, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, मन की उपमा किससे दी गई है, किससे दी गई है। आपका सही आंसर जो है मोर से दी गई है। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य, डैश दिया हुआ है, आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा 104 का, छिप गया है सूरज। लिपट कर सो गया सूरज मतलब छिप गया है सूरज। आगे देखते हैं, पुरवाई से आशय है पूर्व की ओर बहने वाली पवन, यह मदमस्त करने वाली हवा, पूर्व की ओर से आने वाली वायु, पूर्व को बहने वाली नदी। आपका इसका सही आंसर जो है सी होगा, पूर्व की पूर्व से आने वाली वायु, ठीक है सी आंसर आपका इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। अब यहाँ पे आपका पेडागॉजी के क्वेश्चंस दे दिया है इन्होंने, और सीटेट में ही पेडागॉजी हर एक सब्जेक्ट में आती है, चाहे आपका CDP हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो मैथ हो, है ना, तो सब में पेडागॉजी भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसको देखते हैं, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती हैं, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। का ये बोल रहा है कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी में अशुद्धियां करती हैं। आपका इसका जो सही आंसर होगा, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनका सुधार कर सके, है ना। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लिखेगा या पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बोलेगा, बोल बोल के पढ़ेगा तो उसकी वर्तनी में सुधार आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। 107 का आपका सही आंसर जो होगा, आप एक बार पढ़िए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आप एक बार सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप उत्तर लगाएंगे। अभी हम जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं, आपका इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, संदर्भन अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है पूछ रहा है। आपका इसका जो सही आंसर है वो होगा डी होगा, घर घर आप ही की चर्चा है वाक्य में,
वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति के अर्थ पर प्रभाव डालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। सीटेट में सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक क्वेश्चन को कम से कम दो बार पढ़ें और जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करिए, तभी आपका टाइम पर पूरा पेपर सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन इतने लेंथी देते हैं और उनके जो ऑप्शन देते हैं उनको भी समझने के लिए आपको कम से कम दो बार क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने ही पड़ेंगे। जब तक आप ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका सटीक आंसर नहीं निकल पाएगा। और ये पेडागोजी जो है पढ़ने से ही निकलेगी, कहीं पर रट्टा मारने से नहीं आएगा। ठीक है, आपका इसका जो सही आंसर 109 का वो जो बोल रहा है, आपका सही आंसर जो होगा इसका सी होगा, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। अगला है ये, इसका आपका 110 का क्वेश्चन आपका छूट गया है। तो चलिए, नहीं, सॉरी, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास करने के लिए आवश्यक है। आपका इसका जो सही आंसर है आपका होगा सी, सेकंड पेज पे दिया हुआ सी, साहित्य बोध और छंद बोध। ठीक है, आत्मविश्वास के लिए बोल रहे हैं, आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है किसी रचना के बारे में। जब तक साहित्य का बोध नहीं होगा, छंदों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? आपका इसका जो 111 का सही आंसर जो होगा ए होगा, पढ़ने में रुचि जगाने के लिए, सॉरी, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उद्देश्य पूछ रहा है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है आपका। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, एक बार आप भी पढ़िए उसके बाद इसका सही आंसर दिया करिए, देने की कोशिश करेंगे तभी आपका सीटेट का पेडागोजी समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जुड़ी प्रवृत्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है। आपका इसका जो 113 का सही आंसर जो होगा वो होगा बी, विशिष्ट भाषा का प्रयोग। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य, प्रयुक्ति पूछ रहा है, विशिष्ट भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, आपका सही आंसर जो होगा इसका डी होगा, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसमें जो है आपका प्रत्यक्ष विधि नहीं पे जरूर ध्यान रखिएगा, आपका नहीं को अंडरलाइन रखिएगा, क्योंकि भाषा शिक्षण में व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, सूत्र विधि, इन सबका प्रयोग किया, मध्यस्थ में रखा जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि को नहीं। ठीक है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका इसका जो 115 का सही आंसर जो होगा बी होगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा है। आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए होगा, बच्चे कैसे सीखते हैं। सतत आकलन का
उद्देश्य यही होता है, ठीक है, कि बच्चा बच्चे को जो पढ़ाया गया है, जो पाठ्य सामग्री पढ़ाई गई हो उस पे, उससे बच्चे कैसे सीख रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से अर्थ में क्या अंतर आता है। आप इसको बहुत तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पढ़ेंगे पैडागॉजी के, तभी आपको इसका समझ में आएगा, और बहुत आराम से पढ़ने की कोशिश करिएगा, लेकिन टाइम का बिल्कुल मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से अर्थ में क्या अंतर आता है, तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को डैश दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती हैं। ठीक है, हम भी सफल होंगे, हम भी सफल होंगे, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, आपका इसका जो सही आंसर है डी है, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सुसर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, सर्वाधिक अपेक्षित है, आपका इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, एकाकी। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अव्यक्त परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, आंखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए, और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक, और अपने जो पढ़ने वाले आपके दोस्त मित्र आपके जानने वाले हैं उनको हमारा वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।